वर्ल्ड कप 2023 एक बार फिर से टीम इंडिया ने टाटा बाय बाय बोल गो, यानी कि एक बार भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टीम इंडिया के मुंह तो लगी लेकिन हाथ में कुने ही। और ये ट्रॉफी ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम जीत लेगी और अब तक ऑस्ट्रेलिया टीम कुल 6 बार ट्रॉफी आपको नाम कर चुकी है। टीम इंडिया आपको फाइनल मुकाबलों ऑस्ट्रेलिया का हारे हो, लेकिन इस बार भारत का सब लोग टीम इंडिया का फाइनल मुकाबला आने से दुखी तो जरूर ही, लेकिन इस बार टीम इंडिया से बिल्कुल भी नाराज कुनी, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया को प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया हुआ है। और इन सब का पीछे हाथ है टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 में जय की मेहनत करिए, बै की मेहनत देखी रोहित शर्मा ने सल्यूट है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 के शुरुआत से ही लाग रहे हो कि रोहित शर्मा इस बार सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत बना आए हैं। रोहित शर्मा इस पूरे वर्ल्ड कप में रन्ना के पीछे कौन भागियो, रोहित शर्मा एक ही चीज के पीछे भागियो और भाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप से पहले यह बात बोल भी दी कि इस बार वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वह है सिर्फ ट्रॉफी। रोहित शर्मा आपको दिन रात ट्रॉफी के पीछे लगा दियो। और अगर वर्ल्ड कप की बात करा तो वर्ल्ड कप हारने की वजह से सब दुखी है, लेकिन रोहित शर्मा को दुख एक अलग ही नजर आ रहे हैं। जब ये टीम इंडिया फाइनल को मुकाबलो ऑस्ट्रेलिया का हारे हो तो रोहित शर्मा जल्दी से सब खिलाड़ी से हाथ मिला की ड्रेसिंग रूम में उतरो तो चल गो। और रोहित शर्मा को तो दुख देख की भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोहित शर्मा से मिलने ड्रेसिंग रूम में पूछो और बड़े रोहित शर्मा ने दिलासा दियो। लेकिन एक बात जरूर है, ऑस्ट्रेलिया टीम का जीतना से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश कुनिया, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया टीम ने ट्रॉफी देने के लिए स्टेज पे पूछो तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने ट्रॉफी देनी और वापस स्टेज से नीचे आ गया। यानी कि एक तरफ देखो जावे करोड़ों देशवासियों के साथ साथ में भारत का देश का प्रधानमंत्री को सपना भी वर्ल्ड कप जीतने को टूट गो। तो वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा की इतनी मेहनत और इतना लगन देख की सबका सब रोहित शर्मा का फैन हो रही। लेकिन अब अगले वर्ल्ड कप 4 साल बाद में यानी 2027 में होना है, लेकिन तब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलता रहूंगा इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन अगर इस टाइम पर अगर सबने पूछे तो सब चाहेंगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले वर्ल्ड कप और खेल के जावे। रोहित शर्मा बतौर कप्तान ना सही, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने अगले वर्ल्ड कप और खेलना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले भी मैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक वीडियो बनाया हूं जिसको लिंक थाने ऊपर आई बटन मिल जाएगी। अगर थे वो वीडियो नहीं देखे तो बिन जरूर देखो। और अगर आज को वीडियो संचोखा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो लाइक करके चैनल शेयर भी करियो।